जी फैमिली, उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच गाइज कि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेकअप लुक, और उसके साथ मैंने बनाई है हाई पोनीटेल, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप चाहे तो बाल खुले भी छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे कि प्लीज़ ब्लैक आउटफिट के साथ कोई मेकअप लुक सिखा दें, थोड़ा सा स्मोकी हो लेकिन ईजी सा हो। ऐसे तो बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, लेकिन आप हमें सिखा दें। हर किसी को जो है ना वो किसी किसी के ट्रिक्स समझ आ जाती है और वो उससे सीख जाता है। तो मेरा जो मेकअप है ना वो सारा बिगनर्स के लिए। अगर आपको बहुत ऊपर लेवल वाला सीखना है तो वो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं, तो आप उनको देख के सीख सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है, तो 1 2 3 एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। इधर या इधर कहीं भी देख लें आप लोग। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम अपने आईब्रोज़ को, मैंने ऑलरेडी फ़िलअप कर लिया था क्योंकि मेरे आईब्रोज़ जो है ना वो आजकल बड़े ही ख़राब हुए हैं। बहुत अच्छा हो गया, मैंने इन्हें को शेप वगैरह नहीं दिया, बनवाए हुए नहीं है, तो मैंने इन्हें पहले सेट कर लिया था। उसके बाद जो है मैं कंसीलर लगा रही हूँ अपनी पूरी आईलेट पर और लोअर लैश लाइन पर भी, ताकि मेरी जो पिगमेंट है ना वो अच्छे से आए और मेरा कलर जो है वो प्रोमिनेंट हो। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर लूँगी। और सबसे पहले जो हम कलर लेंगे वो इस तरह से ब्राउन से कलर लेंगे। हमेशा आपने लाइट कलर से स्टार्ट करना है। मेरे आईब्रोज़ को मैंने करीब से दिखाया कि कितने ज़्यादा इन पे जो है वो बाल हैं और सही से नहीं बने हुए हैं, तो बस इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में मैंने सेट करूँगी। सबसे पहले हम ब्राउन शेड लेके अपना ट्रांजिशन शेड बनाएंगे। बिगनर्स के लिए ये स्मोकी मेकअप है या लुक कह लें आप, क्योंकि जो प्रो हैं वो तो कोई भी लुक अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए आई होप सो कि वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन से शेड लेके उसको ब्लेंड किया। अब मैं लगा रही हूँ ब्लैक शेड, और मैंने सोचा कि हर सैटरडे या संडे को मैं एक वीक में जो है एक दफ़ा मेकअप ट्यूटोरियल डाला करूँगी, और उसके बाद मैं जो फ्लफी ब्रश होता है उसको लेके अच्छे से अपने ये जो ब्लैक कलर है इसको स्मोक आउट कर लूँगी और ब्राउन शेड के साथ इसको थोड़ा सा मैच करूँगी। आपने पहले थोड़ा सा अपने क्रीज पे लगाना है इस तरह से, और फिर इसको ब्लेंड करते जाना। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ब्लैक ग्लिटर। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रात में अगर ये लगाओ तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और उसमें थोड़ा सा ग्लिटर में ब्लू का टच आ गया था। मेरे पास जो ब्लैक ग्लिटर था वो मेरा गुम हो गया था, तो मैंने यहाँ पर ब्लू थोड़ा टच आ रहा था तो मैंने वही लगा लिया। अब मैं लगाऊँगी आईलाइनर। आईलाइनर लगाने के लिए सबसे पहले आपने विंग ड्रॉ करनी है और उसको जो है फिर मैच कर देना है। जैसे यहाँ से आपने सेंटर में से विंग ड्रॉ की और इसको इसी तरह से ऊपर ले जाना है, और फिर बारीक बारीक जो है वो लाइनें लगाते लगाते उसको मैच कर देना। मैं लोअर लैश लाइन में भी ये ब्राउन से शेड लगाऊंगी, ब्लैक नहीं लगाना क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्लॉसकल काजल, मेबेलिन का बहुत अच्छा है ये। और मैं लगाऊंगी मस्कारा। आप चाहें तो आईलैशेस भी लगा सकते हैं। आईलैशेस लगाना ऑप्शनल है, अगर आप बिगनर हैं तो मस्कारा से ही काम चलाएं। उसके बाद अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो इट्स ओके, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपके पास है यूज़ कर सकते हैं। जॉनसन्स का बेबी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ की, और मैं यहाँ पे क्रायलॉन की FS45 जो है वो स्टिक वो यूज़ कर लूँगी। ये कलर मेरी स्किन पर काफ़ी अच्छा चला जाता है, लेकिन मुझे जी स्टिक फाउंडेशन इतने नहीं पसंद, मुझे लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्टिक फॉर्म में मुझे बेस भी नहीं पसंद। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं कंसीलर लेके जाऊँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, हाईलाइटिंग कर लूँगी थोड़े बहुत, इससे मेरे डार्क सर्कल्स भी हाइड हो जाएंगे और हाईलाइटिंग पार्ट्स जो हैं वो एक फीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाएंगे। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं तो आप ऑरेंज करेक्टर या ऑरेंज लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर ये लगाएं कंसीलर, तो आपके डार्क सर्कल्स भी जो है वो कवर हो जाते हैं। ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दिखाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस को कंटूर और ब्रॉन्ज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिस्टीन का ये कंटूर पैलेट है ये यूज़ करूँगी। ये है इन द शेड 01 आई थिंक सो, या 02, इन दोनों में से कोई एक शेड है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी कॉर्टियर्सपन का लूज़ पाउडर, जो कि बहुत अच्छा लूज़ पाउडर है, हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं इसको इस तरह से अच्छे से बेक कर लूँगी, और आफ्टर 5 सेकेंड मैं इसको डस्ट ऑफ कर लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है उसके साथ मैं लूज़ पाउडर के साथ अपना पूरा फेस सेट कर लूँगी। अब यहाँ मैं ब्लशन के लिए 7 Cool की ब्लशन पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से पीछे पिंक सा ब्लशन लेके अच्छे से सेट आउट कर लूँगी। हुदा ब्यूटी का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत हाईली रिकमेंडेड है, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइसी है,
तो इसलिए आप चाहें तो मिस रोज़ का भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, जो भी हाइलाइटर आपके पास है वो यूज़ कर सकते हैं। चीक्स पे लगाया, ब्रा बोन पे लगाया, थोड़े से नोज़ हाइलाइट किया, मैं लिप बाम लगाऊंगी और बनेंजा किया ये लिप कलर लगाऊंगी जो कि थोड़ा सा डार्क हो गया था, फिर मैंने इसको लिपस्टिक के साथ सेट कर लिया, क्योंकि आपका मेकअप थोड़ा सा डार्क है तो लिपस्टिक हम जितने हो सकेगा हम लाइट रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे सेट करूँगी और उसके बाद ब्राउन न्यूड सा एक मेरे पास लिपस्टिक शेड है वो लेके मैं सेट कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से लिपस्टिक को लगा सकते हैं, तो आप चाहें तो इस लुक के साथ बाल खुले भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो बालों को कवर भी कर सकते हैं। आजकल मेरी लाइट में थोड़ा मसला हुआ है तो शायद आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। मैंने यहाँ पे बाल बांध दिए थे और पीछे से स्ट्रेट नहीं किए थे, आप चाहें तो पोनीटेल को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये मेरा लुक है फॉर बिगनर्स के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जिनकी जो भी क्वेरीज वगैरह हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस।